जब आप आलू से बनने वाली इस रेसिपी को बना के बच्चों को दोगे ना, तो बच्चे नूडल्स बर्गर खाना तो दूर उसका जिक्र तक नहीं करेंगे। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ली है 3 आलू। आलू को मैंने अच्छे से धो ली है। आलू में बहुत सारी डस्ट मिट्टी वगैरह होती है, तो हमें बहुत ही अच्छे से इसको वॉश कर लेना है। फिर हम आलू को बीच में से भाग कर लेते हैं, काट लेते हैं, और इसको हम इस तरह से लंबे लंबे बड़े बड़े टुकड़ों में काट लेना है। तो हमें आलू का जो टुकड़ा है थोड़ा सा बड़ा ही रख लेना है। तो यहाँ पे मैं तीनों आलू को सेम तरीके से काट ली है। अब आलू को हम ट्रांसफ़र कर देंगे एक बड़ी सी छन्नी में, और इसको हम अच्छे से धो लेंगे। उसके बाद गैस पर मैंने एक सॉस पैन रख दी है, इसमें आलू को डाल देते हैं और ऊपर से हम डाल देते हैं पानी। तो हमें आलू को डूबने जितना यहाँ पे पानी डालना है, और गैस को हाई करके हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तो आलू में जो है उबल आना स्टार्ट हो चुका है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ 1 छोटा चम्मच जितना नमक। नमक को डाल देंगे और 10 मिनट तक हम इसको उबालेंगे। 10 मिनट जैसे ही उबलता है आलू को हमें निकाल देना है, मतलब हमें इसको 50% तक ही कुक करना है। अब हम आलू को तुरंत ही एक प्लेट में फैला देते हैं, और ऊपर से आलू को हम जो भी नमी है इसको हम पोंछ लेंगे और पूरी तरह से ड्राई कर देंगे आलू को। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर को डाल के हम अच्छे से मिक्स करेंगे पूरे आलू में। जैसे कॉर्नफ्लोर मिक्स होता है इसको साइड में रख देते हैं। एक कटोरा लेते हैं और कटोरों में हम डाल देते हैं 3 चम्मच जितना, यहाँ पर भर भर के 3 चम्मच मैदा लेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा कटोरा व्हाइट है, मैदा भी व्हाइट है, तो थोड़ा यहाँ पे दिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, पर कोई नहीं, मैं बता रही हूँ। 1/2 चम्मच मैं यहाँ पे काला मिर्च ले रही हूँ। 1 छोटा चम्मच मैंने ओरिगेनो ली है। 1 चम्मच मैंने यहाँ पे चिली फ्लेक्स ली है। साथ में मैंने यहाँ पे ली है 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर। इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर पानी लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें मिक्स करेंगे। तो हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा पतला घोल नहीं बनाना है, थोड़ा सा इस तरह का मोटा ही घोल हमें बना लेना है। तो यहाँ पे हम जो ये जो कॉर्नफ्लोर वाला आलू था इसको डिप करते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने ब्रेड क्रम्स ली है, ब्रेड क्रम्स में डाल देंगे। थोड़ा यहाँ पे रफ कर देंगे और दूसरे वाले को भी हम सेम प्रोसेस कर देंगे। पहले इस घोल में मैदे वाले घोल में डाल देंगे, मैदे और कॉर्नफ्लोर वाले घोल में, फिर उसके बाद ब्रेड क्रम्स में हम रफ कर देंगे। तेल को हम अच्छे से गरम कर लेंगे, फिर हम इसमें इस आलू को डाल देते हैं। तो हमें गैस की फ्लेम को यहाँ पे मीडियम फ्लेम रखना है, और सारे आलू को हम सेम तरीके से यहाँ पे डाल लेंगे। आलू करीबन 3 मिनट तक सिकने के बाद एक साइड से हम इनको पलट देते हैं। ये जो आलू है खाने में बहुत ही टेस्टी होती है, बहुत ही कुड़कुड़ा होता है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों मेरी आपसे, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, इससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो इसी तरह से मैंने पलटते हुए दोनों साइड से आलू को अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर ली है। तो हमें अच्छे से इसको गोल्डन ब्राउन होने तक ही फ्राई कर लेना है, नहीं तो आलू अंदर से खाने में टेस्टी नहीं लगते हैं। तो अब हम मैंने अच्छे से फ्राई कर ली है, अब मैं इनको निकाल देती हूँ। तो सारे आलू को निकाल दी है, और जो बचे हुए आलू है उनको भी हम सेम तरीके से फ्राई कर लेंगे। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स नहीं है तो आप डायरेक्टली जो मैदे वाला घोल था उसमें डाल के भी आप आलू को फ्राई कर सकते हैं, ऐसे भी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आलू का जो नाश्ता ये बन के तैयार है, आप शाम के चाय के साथ इसको ट्राई कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।